अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्लॉग नंबर 8। तो आज हम जा रहे हैं चिलीदार के लेक्स। 2 साल पहले हम गए थे तो हमने 2 लेक्स डिस्कवर किए थे। 2 लेक्स डिस्कवर करने के बाद 5 लेक हमसे छूट गए थे। ये वीडियो चेक करें, आप ये वीडियो चेक करें, ये नहीं ये वीडियो। तो आज मेरे साथ समीत भी थे यहाँ पे, समीत भी थे। तकरीबन कोई आधा घंटे चलने के बाद हमने कोई 10 मिनट हम यहाँ पर रेस्ट किए। तो यहाँ से हम प्रॉपर हम अपनी हाइक स्टार्ट कर रहे हैं, चीज़ें दोबारा से सेट कर रहे हैं अपनी चीज़ें ये लोग। तो फिर आधे घंटे के बाद हम लोग वापस रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सारे थक चुके हैं काफ़ी, और अभी धूप भी निकलने लगी है। कोई तकरीबन मेरे ख्याल से 6 बज रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं। तो अभी जूस बिस्किट वगैरह खा के थोड़ा बहुत कुछ खा के हम लोग आगे निकल जाएंगे चिलीदार के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वाइल्ड लाइफ के लिए एक लोगों ने हट बनाया हुआ है। पहले यहाँ पे बहुत सारे मतलब इलीगल हंटिंग वगैरह होती थी, जैसे कि मारखोर जो हमारा नेशनल एनिमल है उसकी बहुत ज़्यादा हंटिंग होती थी यहाँ पे, जो कि नाला और ये जो चिलीदार ऊपर साइड जो है वहाँ पे। तो उसके कंजर्वेशन के लिए इन लोगों ने यहाँ पे हट बनाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब काफ़ी कम हो गए इलीगल हंटिंग वगैरह। जुटिया नाला जो है यहाँ पे सारे मिला के 7 लेक्स हैं। 4 लेक्स का जो रास्ता है वो यहाँ से जाते हैं और बाकी जो 3 हैं वो यहाँ से जाते हैं। पिछले साल हम 2 लेक्स पे गए हैं इस वाली साइड से गए हैं, और हमने जाना इस वाली साइड से। तो हमने प्लान ये किया है कि हम यहाँ से जाएंगे पहले तीन लेक्स जो यहाँ पे हैं उन पर जाएंगे। वहाँ से फिर ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ इस पे चढ़ के उन जो चार पहाड़ हैं इस साइड पे, उन चार पहाड़ों पे जाना है, चार लेक्स पे जाना है। तो मुश्किल है, लेकिन मुश्किल ना होता तो फिर मज़ा भी ना आता। समीत की हालत खुश, प्लीज़ हालत बयान करें कैमरे की तरफ। इधर आखिरी हालत बाकी कीमत आपको बताएंगे। कीमत तो ऊपर जो लेक्स हैं, जीशान 2 दिन पहले जाके आए वहाँ से, तो उसने जो पिक्चर दिखाई है हमें, सही बर्फ है वहाँ, सही बर्फ पड़ी हुई है। 2-3 लेक्स हैं यहाँ पे, उन लेक्स से दूसरे लेक्स पे 4 लेक्स पे जाने के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत सख्त रास्ता होने वाला है सही बर्फ के साथ। तो जाना है हमने कैसे भी। इस चढ़ाई पे तो हमेशा फटती है मेरी। 101 दफ़े इस चढ़ाई पे मैं चढ़ाऊँ, लेकिन 101 बार मेरी फटी है। सही गंदी चढ़ाई है। टेलीफोन सीमेंट। हेलो आते बटन में तो क्या करना फाते। हेलो राजन भाई, हेलो बटन जैसा है चार्ज फर्स्ट भी हमें सेट बी
सीन ये है कि हमारे तीन बंदे ऊपर जा चुके हैं, जब तक हम लोग पहुँचते हैं वो लोग खाना तैयार करेंगे, बाकी के जो चार मेंबर हैं हमारे वो नीचे उतरे हैं, सब वो आराम आराम से आ रहे हैं। तो अभी हम लोग ऊपर खाना पकाएंगे, खाना पकाने के बाद कोई एक घंटा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने लेक की तरफ। तो अभी तो काफ़ी धूप निकल गई है, आप जैसे कि देख सकते हैं लगातार। इस लोगों ने अभी तक खाना बना लिया होगा, लेकिन ये लोग तो अभी इधर ही हैं, अभी साथ जाके खाना पकाना पड़ेगा, उसके अलग टेंशन है अभी। भाई खाना किधर है? खाना ऊपर मिलेगा सर। ऊपर किधर? ऊपर हेलीपैड पे। चलिए है हेलीपैड पे खाना। हेलीपैड कहाँ है? हेलीपैड हेलीपैड इधर ऊपर है। हेलीकॉप्टर है उधर? हेलीकॉप्टर भी है, F-16 भी है। हेलीपैड F-16 कैसे है? आया है ना, बस आया है, पैराशूट से आया है। अच्छा, 5-star होटल है। अबे मेरे ख्याल से तकरीबन कोई ज़्यादा हुआ तो 20 मिनट और चलना है, उसके बाद हम लोग हेलीपैड पे पहुँचेंगे। उधर हम लोग बनाएंगे अपना लंच, वो करके फिर हम लोग आगे निकलेंगे। अभी काफ़ी लेट तो हो चुका है, मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि हम लोग पहुँचेंगे टाइम पे लेक पे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। सो फाइनली आफ्टर फकिंग 4 आवर्स वी आर हेयर, और अभी हम लोग इधर खाना बनाएंगे, बाकी के लड़के पहुंच चुके हैं, उनके हालात से तो लग नहीं रहा कि इन लोगों ने कुछ बनाया होगा, लेट्स सी क्या। तो इधर हेलीपैड पे हम पहुंच गए, हेलीपैड कहते हैं जगह को, हेलीपैड पे हम पहुंच गए। तो अभी हमने यहाँ पे खाना बनाने का प्लान किया था, सुबह 10 भी नहीं बजेंगे, मुझे लगता है नहीं बजेंगे। अब सीन ये है कि यहाँ पे धूप है, सही धूप है, और लकड़ी जो थी यहाँ पे पहले छाँव हुआ करते थे, सही यहाँ पे पेड़ हुआ करते थे, लोगों ने वो काट के वो जलाए हैं, तो लकड़ी भी नहीं है और छाँव भी नहीं है। तो अभी हम ऊपर साइड पर जा रहे हैं, इस साइड पर कहीं पर ये इधर छाँव ढूँढेंगे, लकड़ी ढूँढेंगे, अगर पानी मिलता है तो वहाँ पर हम बैठेंगे, बैठ के फिर वहाँ पर खाना बनाएंगे। तकरीबन कोई 40-50 मिनट के बाद ये लोग आ रहे हैं, और अभी तक 2 बंदे अभी तक ही हैं। इधर हम लोगों ने अभी खाना खाया था, यक कढ़ाई। अभी निकल रहे हैं आगे, मौसम थोड़ा ख़राब हो गया, पता नहीं मौसम कभी भी चेंज हो जाते, कभी इतनी तेज़ धूप, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो अभी देखते हैं, मौसम तो ख़राब हो गया फिर भी हम लोग चलेंगे और देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। अभी काफ़ी बादल आए हुए हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, लेकिन हम लोग निकल गए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसे मतलब शाम का टाइम हो जाएगा तो हम लोग रुक जाएंगे और टेंट उधर ही लगाएंगे, शायद हम लोग ना पहुँचें आज झील पे, फिर भी लेट्स सी। गाइस
Let's go. Please move forward. How is your tangue? My tangue are well and good, but my mouth is feeling very thirsty. There is water. There, water. There is water. Yes, water. I know. I will throw kankar in there and I will drink water like a crow. Okay, brother. Okay. Please go ahead. Okay. Please go ahead. कल पूरी रात समीर घर पे जाकर हैं बाकी वो तो खैर मुझे पता नहीं है लेकिन मेरी हालत बहुत टाइट है चलने लगातार तो खैर नहीं दो दफ़े सोया हूँ मैं दो घंटे मजीद हो रहे हैं दो घंटे ये आप इधर जाना है थोड़ा टाइट आखिरी हालत इधर काफ़ी टाइम गुजरा है अभी तक हमें पहुंचना चाहिए था लेकिन सुबह 4 बजे हमने हाइक स्टार्ट किया था तो उसकी वजह से एनर्जी सारी ख़त्म हो गई है किसी में एनर्जी नहीं है तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ऊपर पहुंचने तक रात होगी तो यहाँ पे ये पार्ट हम एंड करते हैं दैट्स इट सी यू इन पार्ट 2 ऑफ दिस व्लॉग